जेलेंस्की ने छोड़ी नाटो की मांग, निराश हो बोले रूस से लड़ना आपके बस की बात नहीं। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 14वां दिन है। इतने दिनों में यूक्रेन का बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने कई देशों से मदद मांगी, लेकिन रूस की धमकियों के आगे बड़े बड़े देशों की आवाज धीमी पड़ गई। इस युद्ध की एक बड़ी वजह यूक्रेन का नाटो में शामिल होने की योजना भी थी। हालांकि अब राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने स्पष्ट कह दिया है कि यूक्रेन अब नाटो की सदस्यता की मांग नहीं करेगा। जेलेंस्की की बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे वह हार मान चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिन दो प्रांतों को लेकर युद्ध से पहले रूस ने ऐलान किया था, उन दोनों के बारे में भी वह समझौता करने को तैयार है। आपको बता दें कि 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन के दो अलगाववादी प्रांतों लुहानस्क और डोनेस्क को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ईवीएम पर शुरू हुआ सियासी घमासान, मिर्जापुर में सपा कार्यकर्ताओं ने काटा बवाल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। 10 मार्च को मतगणना होनी है। इस बीच ईवीएम में छेड़छाड़ या अदला बदली के आरोपों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई जिलों में प्रदर्शन किया है। देर रात मिर्जापुर के बथुआ स्थित पॉलिटेक्निक में बने स्ट्रांग रूम के सामने देर रात निगरानी के लिए मौजूद सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। आरोप लगाया कि रात में स्ट्रांग रूम के अंदर से बीप की आवाज आ रही थी। हंगामा के बाद मौके पर पहुंचे सपा अपना दल गठबंधन के प्रत्याशी ने बीप की आवाज की जांच की मांग की। आरोप लगाया कि जैसे मतदान के बाद बीप की आवाज आती है, उसी तरह आवाज आ रही थी। कल शाम वाराणसी में वाहन से ईवीएम मिलने के बाद सपा कार्यकर्ताओं के हंगामे का मामला शांत नहीं हुआ था कि देर रात मिर्जापुर के बथुआ स्थित पॉलिटेक्निक में बने स्ट्रांग रूम के सामने प्रदर्शन शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि अंदर से बीप की आवाज आ रही थी। लिस्ट है जो पोलिंग पर्सन पोलिंग में यूज हुई, उसका मिलान उस ईवीएम से कर ले, वो गाड़ी बाहर उन्हीं के उसमें वहाँ पे है, मिलान कर ले। अगर वो ईवीएम मैच करते हुए जरा निकल, अगर वो ईवीएम का नंबर मैच करता है तो फिर हम लोग दोषी हैं, जो पोलिंग में यूज हुआ और वही ईवीएम वो निकल रहा है। अगर वो प्रेक्षक को तुरंत बुलाया जाए और जांच करें। प्रेक्षक तो सर यही है, प्रेक्षक तो सर यही है, आपके सामने प्रेक्षक है, पीछे सारे प्रेक्षक बैठे हैं। सही प्रोसेस में सारे प्रेक्षक अच्छा नियम क्या है? मैंने जो प्रोटोकॉल हुआ, जो ईवीएम का मूवमेंट था, उसमें त्रुटि हुई, ये बात है, उसमें त्रुटि हुई, इसको हम रुक कर भिजवा रहे हैं। लेकिन ये करना मैं एकदम दावे के साथ बोल रहा हूँ कि सब पोलिंग ये इम्पॉसिबल है। थ्री लेट सिक्योरिटी होती है, थ्री लेट सिक्योरिटी, एक लेट भी नहीं, केवल एक एंट्री का गेट होता है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा मतगणना आयोग पर भरोसा है ना। अगर कहीं कहीं ईवीएम मशीन ये सब गड़बड़ दिखाई देती तो शायद भी बताने की जरूरत है। मतगणना के दौरान हमारे चाहे प्रत्याशी हों, चाहे हमारे चुनाव करने वाले एजेंट हों, मतगणना कराने वाले एजेंट हों, कौन काम किसका है, मतगणना स्थल पर अपने पंडालों को अब कोई इंसाफी होती है। आम आदमी पार्टी का आरोप, तेलंगाना के सीएम केसीआर ने लोगों से किए तीनों बड़े वादे पूरे नहीं किए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती ने कहा कि तेलंगाना के सीएम केसीआर ने लोगों से किए तीन बड़े वादे पूरे नहीं किए हैं। केसीआर ने अपने परिवार के सदस्यों में सांसद से लेकर मंत्री पद रेवड़ियों की तरह बांटे हैं। वहीं टीआरएस सरकार ने शिक्षा बजट 10% से घटाकर 6% किया है, जबकि आप सरकार ने इसे 25% किया है। देश में सबसे महंगा चुनाव केसीआर लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में केसीआर को छोटा मोदी के नाम से जाना जाता है। वह पीएम मोदी की तरह लोगों से झूठे वादे करते हैं। तेलंगाना में बेरोजगारी इतनी बड़ी मुसीबत है कि इस बजट में एक भी पैसा इस काम के लिए नहीं है और ना ही उन्होंने बजट में प्लानिंग की है। कल तेलंगाना की सरकार ने बजट पेश किया। मैं बजट पे आऊं इसके पहले ये बता दूं कि जब तेलंगाना का संघर्ष चल रहा था, उस वक्त केसीआर साहब ने कहा था कि तेलंगाना का पहला मुख्यमंत्री एससी होगा, लेकिन उस वादे से कहीं दूर अपने ही परिवार के, पहले तो खुद बन गए मुख्यमंत्री, उसके बाद अपने ही परिवार के सब लोगों को उन्होंने रेवड़ियों की तरह
पद बांटे, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, सब कुछ। उनका दूसरा वादा था कि हर एससी परिवार को हम 5 एकड़ लैंड जमीन देंगे, आज तक वो भी पूरा नहीं हो पाया। एक तीसरा वादा था कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का 125 फुट ऊंचा स्टैचू बनाएंगे एज ए मेमोरियल टू रिमाइंड द गवर्नमेंट एंड द पीपल इन पावर कि कौन कौन से सपने बाबा साहब ने देश के नागरिकों के लिए देखा, तेलंगाना के नागरिकों के लिए देखा और कैसे पूरा करना है, लेकिन वो भी अनफुलफिल रहा। तो तीनों जो तीन बेसिक इन्होंने प्रोमिसेस किए थे उसका कहीं जिक्र, सीएम तो खुद बनी गए तो कम से कम 2 का जिक्र कहीं होता, वो भी कहीं नहीं दिखा। 2,56,000 करोड़ का बजट है। केजरीवाल जी की सरकार ने शिक्षा पे अनगिनत काम किए और उसका मूल जाता है बजट पे कि किस प्रकार से ट्वेंटी दिल्ली सरकार का बजट शिक्षा पे खर्च होता है, वहीं तेलंगाना की सरकार केसीआर साहब ने 10% अलॉटमेंट से घटते 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 इस बार 6.26% पे आ गए। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार का बड़ा कदम, बनेगी नई एजेंसी। रक्षा मंत्रालय के हथियारों के निर्माण और टेस्टिंग के मामले में आत्मनिर्भर बनने की ओर बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्रालय के यूनियन कैबिनेट को एक नोडल अम्ब्रेला बॉडी बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा है जो कि हथियारों की टेस्टिंग और प्रमाणन का काम कर सके। यह संस्था प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों द्वारा बनाए गए रक्षा उपकरणों का सर्टिफिकेशन करेगी। इस साल केंद्रीय बजट में इस बात का जिक्र किया गया था कि एक स्वतंत्र टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन बॉडी बनाई जाएगी। भारत में निजी रक्षा उपकरण निर्माता कंपनियों के लिए यह बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। इससे प्राइवेट कंपनियों की तरफ से रक्षा उपकरण की सप्लाई भी बढ़ सकती है। इस साल बजट में रक्षा बजट का 68% घरेलू उत्पादन के लिए निर्धारित किया गया है। प्राइवेट इंडस्ट्रीज का फायदा उठा सकती है। कई कंपनियों ने आर्म ड्रोन, ऑटोनोमस कॉम्बैट व्हीकल, एयरक्राफ्ट इंजन, SPV आदि का निर्माण भी शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ टॉक।